नमस्कार है पेन वाजपेयी अपने यूट्यूब चैनल मैथ्यू पेन वाजपेयी पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ये वीडियो एसएससी सीजीएल 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। कुछ टाइम पहले ये अपडेट आई थी कि इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है, जैसे जीएसटी इंस्पेक्टर, उसके अलावा एग्जामिनर, उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर, इनकी जो रिक्रूटमेंट है वो आपकी डायरेक्ट जो रिक्रूटमेंट है वो नहीं की जाएगी, प्रमोशंस के जो थ्रू हैं वो इन वैकेंसीज को भरा जाएगा। तो इसके रिगार्डिंग कमेटी ने अपना प्रपोजल यूनियन कैबिनेट को भेजा था। तो इसमें क्या अपडेट है, इसका जो आरटीआई का रिप्लाई है वो आ गया है। तो यहाँ से आपको ये अपडेट मिलने वाली है कि इस बार इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो 2024 में आएंगी या नहीं आएंगी, उसके बारे में इस वीडियो में बात करेंगे। उसके अलावा आप सभी के लिए गुड न्यूज़ है। गुड न्यूज़ ये है कि अब आपको जो सैलरी है वो और भी ज़्यादा मिलने वाली है, क्योंकि आपका, आपको पता होगा कि आपका डीए भी इंक्रीज़ हो गया है और एचआरए जो है वो भी आपका इंक्रीज़ हो गया है। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। एक दो मिनट के अंदर मैं अपनी पूरी बात आपके बीच में रखने वाला हूँ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। स्टार्ट करने से पहले आप सभी को एक इन्फॉर्मेशन देना चाहता हूँ कि हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया, जिसका इंटरफेस बिल्कुल एसएससी सीएचएसएल सीजीएल जैसा है। उसके अलावा यहाँ पे हम आपको 250 पैसे दे रहे हैं जो कि सीएचएसएल सीजीएल एग्जाम में आए हुए हैं। उसके अलावा जो 2022 और 2023 के पैसेज हैं उनके रिगार्डिंग हमने आरटीआई लगा दिए, वो सारे पैसेज भी यहाँ पे हम आपको प्रोवाइड करा देंगे। उसके अलावा एक दिन का जो डेमो है वो आपका बिल्कुल फ्री है। मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जरूर दीजिएगा। डेमो का लिंक डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं। और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। बाकी आपको ऐसे सॉफ्टवेयर पे प्रैक्टिस करने की जरूरत है जिसका इंटरफेस बिल्कुल जैसा आपको वहां पे एग्जाम में आएगा वैसा हो, तो इसका इंटरफेस बिल्कुल आपके एग्जाम जैसा है। उसके अलावा सारे के सारे यहाँ पे प्रीवियस जो पैसेज हैं वो यहाँ पे आपको दिए गए हैं। तो मैं आप सभी से जरूर कहूँगा एक बार डेमो जो दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी आरटीआई लगाई गई थी, जैसा कि आपको पता है कि 10 साल के बाद, हर एक 10 साल के बाद कैडर स्ट्रक्चर का वर्क हर एक डिपार्टमेंट में होता है। कैडर स्ट्रक्चर का जो वर्क है वो इस वजह से होता है ताकि डिपार्टमेंट ये जानने का प्रयास करता है कि जो वैकेंसी, जिस वैकेंसी को हम डायरेक्ट रिक्रूटमेंट के थ्रू भर रहे हैं, क्या उसकी जरूरत प्रेजेंट सिनेरियो में है या नहीं है, क्या उस पोस्ट को हटा के दूसरी पोस्ट को भरने की जरूरत है। तो इन सब चीज़ों को देखते हुए हर एक डिपार्टमेंट में कैडर स्ट्रक्चर होता है। 2013 में जीएसटी डिपार्टमेंट में इससे पहले कैडर स्ट्रक्चर हुआ था, तो 2023 में होना था, 2023 में नहीं हुआ। तो इसी के रिगार्डिंग एक प्रपोजल बनाया गया था कमेटी के द्वारा और वो यूनियन कैबिनेट को भेजा गया, जिसमें ये प्रपोजल दिया गया कि जो जीएसटी इंस्पेक्टर हैं, उसके अलावा एग्जामिनर हैं, प्रिवेंटिव ऑफिसर हैं, इनकी जो डायरेक्ट रिक्रूटमेंट होती है इनको हटा करके इनके स्थान पे जो मतलब टीए हैं उनको प्रमोट करके, या जो डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट जो प्रमोशन है उनके थ्रू इस पोस्ट को भरा जाए। ठीक है, तो इसके रिगार्डिंग एक आरटीआई लगाई गई थी, तो उसका रिप्लाई आया है यहाँ पे, वो आप देख सकते हैं यहाँ पे। अभी मैं इसके बारे में बात करूँगा कि क्या 2024 में वैकेंसी आएंगी या नहीं आएंगी, उसके अलावा इसका क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है, क्या आने वाले टाइम में वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो आरटीआई का रिप्लाई है वो 29/2/2024 को आया है, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। उसके अलावा यहाँ पे इसमें मतलब इस डिपार्टमेंट में लगाई गई थी आरटीआई, तो इसी डिपार्टमेंट से ये आरटीआई का रिप्लाई आया है। द मैटर रिगार्डिंग कैडर रिस्ट्रक्चरिंग इज अंडर कंसिडरेशन एंड फाइनल डिसीजन इज एट टू बी एट टेकन, यानी कि अभी भी डिसीजन जो है वो नहीं लिया गया है। सिंस कैडर रिस्ट्रक्चरिंग कैन बी इम्प्लीमेंटेड ओनली आफ्टर अप्रूवल बाई द यूनियन कैबिनेट एज पर सेक्शन, जो भी सेक्शन है उसके द्वारा, मतलब जब इस पर यूनियन कैबिनेट जो है वो मतलब डिसीजन लेगी तभी ये चीज़ें जो होंगी वो इम्प्लीमेंटेशन में लाई जाएंगी। अब यहाँ पे, चूंकि यहाँ पे तो आपको पता चल गया कि अभी जो है कोई भी इस पर डिसीजन नहीं लिया गया, एक प्रपोजल भेजा गया है, अब डिसीजन यूनियन कैबिनेट लेगी या नहीं लेगी उसी पर डिपेंड करेगा कि वैकेंसी आपकी जो इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी है वो आएंगी या नहीं आएंगी। पहली चीज़ ये कि 2024 में इस पर कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा। 2024 में इंस्पेक्टर की वैकेंसी आएंगी और आप देख पा रहे होंगे कि जीएसटी इंस्पेक्टर की कई रीजन में जो वैकेंसी है, कई जोन में जो वैकेंसी है वो आपकी रिपोर्ट भी हो चुकी है। ठीक है, तो 2024 में इसका कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा वैकेंसी जिस तरीके से। उसके अलावा प्रिवेंटिव ऑफिसर की जो वैकेंसी है वो भी पुणे जोन की जो है वो आपकी रिपोर्ट हुई है। ठीक है, तो इसका 2024 पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, 2024 में इंस्पेक्टर की वैकेंसी डेफिनेटली आएंगी। अब ये क्वेश्चन अराइज होता है कि क्या आने वाले टाइम में वैकेंसी जो है वो इस मतलब यहाँ पे ये वैकेंसी ना निकल के प्रमोशंस के थ्रू भरी जाएंगी। तो
सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि ये कोई छोटा मोटा डिसीजन नहीं है, एक बहुत बड़ा डिसीजन है। एकदम किसी भी इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते, क्योंकि इससे मतलब बहुत ज़्यादा फिर दिक्कत हो जाएगी, फिर जो एसएससी है उसको भी अपोज का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि एकदम आप इंस्पेक्टर की जो पोस्ट है वो उसे ख़त्म नहीं कर सकते, उसे रिपील नहीं कर सकते। हाँ, ये जरूर हो सकता है कि धीरे धीरे उस चीज़ को कम किया जाएगा, तो इसका इम्पैक्ट जो है वो लॉन्ग टर्म में भले देखने को मिले, अभी रिसेंटली आपको 2024 के सीजल के एग्ज़ाम में देखने को नहीं मिलेगा। आगे भी धीरे धीरे ये चीज़ें जो हैं वो कम होंगी, एकदम ऐसा नहीं होगा कि एकदम इन्होंने डिसीजन बनाया और एकदम इसको ख़त्म कर दिया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। तो 2024 वाले जो एस्पिरेंट हैं उनको बिल्कुल परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, इंस्पेक्टर की जो वैकेंसी वो आएंगी, चाहे वो जीएसटी इंस्पेक्टर की वैकेंसी हो, चाहे वो प्रिवेंटिव ऑफिसर की वैकेंसी हो, चाहे वो एग्जामिनर की वैकेंसी हो, सारी वैकेंसी आपकी आएंगी। उसके अलावा इससे पहले मैंने आपको एक आईटी का रिप्लाई दिखाया था इससे पहले वीडियो बना के कि पीएसए की जो वैकेंसी वो भी इस बार आएंगी, और पीएसए की वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब यही है कि वैकेंसी आपको अच्छी खासी 2024 में देखने को मिलेंगी, क्योंकि 2022 में जो अच्छी खासी वैकेंसी थी उसका सबसे बड़ा जो रीज़न था वो पीएसए की वैकेंसी होना था। तो इस बार भी आपको पीएसए की वैकेंसी देखने को मिलेंगी, और पीएसए की वैकेंसी आने का साफ साफ मतलब यही है कि आपकी अच्छी खासी वैकेंसी इस बार रहेंगी, क्योंकि 10,000 के आसपास जो वैकेंसी 2022 की थी वो वैकेंट रह गई हैं, तो वो वैकेंसी आ सकती हैं इस बार। तो इस वजह से अच्छी खासी मात्रा में इस बार वैकेंसी आपको देखने को मिलेंगी, तो अच्छे तरीके से इस बार आप प्रिपरेशन करिए, तभी आप कहीं ना कहीं एक पोस्ट ले पाएंगे, ठीक है। उसके अलावा अब आपकी जो बच्चे आगे ज्वाइन करेंगे उनको सैलरी भी अच्छी मिलेगी, या जो 2023 वाले जो एस्पिरेंट जो ज्वाइन करेंगे उनको सैलरी अच्छी मिलेगी, क्योंकि आपका डीए जो है वो 46% से बढ़ के 50% हो गया, और एचआरए जो है एक्सटी के लिए आपका बढ़ गया 27% से बढ़ के ये 30% हो गया, तो इसका इम्पैक्ट डायरेक्ट आपकी सैलरी पर पड़ेगा। अब आपको जो इनहैंड सैलरी या जो आपकी ओवरऑल सैलरी बनती है वो भी आपकी ज़्यादा बनेगी, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ सारी जानकारी आप अच्छे तरीके से समझ पाए होंगे। उसके अलावा हमने आपके लिए कंप्लीट टाइपिंग का सॉफ्टवेयर बना दिया है, इस पर एक बार आप लोग जरूर डेमो जरूर दीजिएगा, क्योंकि डेमो आपका एक दिन का फ्री है, तो डेमो दीजिए, डेमो से आपको पता चलेगा ये सॉफ्टवेयर आपके लिए कितना हेल्पफुल होने वाला है। डेमो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में पिन किया हुआ है, वहाँ से आप डेमो दे सकते हैं, और अगर आप डेमो से सेटिस्फाई होते हैं तो अपना जो बेस्ट प्लान है वो परचेज कर सकते हैं। करना क्या है, इस वीडियो को ज़्यादा शेयर करना है। उसके अलावा अगर आप चैनल पर नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।